महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के ढाबा रोड पर सत्यनारायण मंदिर के पास स्थित वीरेश्वर महादेव 84 महादेवों में 46वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार दैत्यराज कंकाल केतु को मारकर अमित मित्र नाम के एक धर्मालु राजा अपनी पत्नी रानी मलयगंधा के साथ सुखपूर्वक रह रहे थे, किंतु उनके पुत्र नहीं होने से रानी ने तृतीया का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को विष्णु के अंश वाले तथा शिवजी की भक्ति रखने वाले पुत्र की प्राप्ति हुई। अभुक्त मूल नक्षत्र में पुत्र का जन्म होने के कारण राजा के मंत्रियों ने राजा को पुत्र का मुंह न देखने की सलाह दी। तब रानी ने उस पुत्र को विक्टा देवी के मंदिर में रख दिया। विक्टा देवी ने योगिनियों की मदद से उस बालक को मातृका के पास पहुंचाया। तब सभी देवियों ने उस बालक की वीरता का उल्लेख करते हुए महाकाल वन स्थित पंचमुद्रा देवी के समीप रखने का उपक्रम किया। वहां उस बालक ने भगवान शिव की घोर उपासना की। सदाशिव ने लिंग रूप में उपस्थित होकर उस वीर बालक को वर मांगने को कहा। उस वीर ने प्रभु से निवेदन किया कि यदि आप प्रसन्न हैं तो हमेशा के लिए इस लिंग में निवास करें तथा सभी भक्तों के मनोरथ पूरे करें। वीर बालक द्वारा पूजे जाने पर यह लिंग वीरेश्वर कहलाया। इनके पूजन आराधना से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।